सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। तो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जो है एक और नई और ऑफिशियल अपडेट सामने निकल करके आ रही है, जो कि आपके नाविक जीडी और डीबी के एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के रहने वाली है। तो अगर आप लोगों ने भी कोस्ट गार्ड नाविक 02-2023 बैच एंट्री के लिए अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। और यदि आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मैं जो है कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हूँ और आप लोग जो है इस अपडेट को ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने फॉर्म भरने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई गलती कर दी है या फिर आप लोगों से कोई डाटा गलत फिलअप हो गया है तो दोस्तों आप लोग जो है उसमें करेक्शन कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कोस्ट गार्ड के द्वारा जो है न्यूज एंड अनाउंसमेंट के सेक्शन में एक अपडेट जारी किया गया है, जिसमें कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने बताया है कि एडिट विंडो फॉर सीजीईपीटी 02-2023 बैच इज अवेलेबल फ्रॉम 28th of February 23। ठीक है, यानी कि आपके लिए जो है एडिट विंडो को यहाँ पर ओपन कर दिया गया है, जो कि आज 28 फरवरी से जो है 2 मार्च तक ओपन रहेगी। तो मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है आप लोग अपनी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं या फिर उनमें करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी डिटेल्स को आप लोग यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इनरोल्ड पर्सन सीजीईपीटी 02-2023 बैच, जो कि आपको ग्रीन टैब यहाँ देखने को मिल रहा है। तो सिंपली आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोगों को जो है रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी और पासवर्ड फिलअप करना होगा और उसके बाद में जो है आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि एडिट विंडो इज अवेलेबल फ्रॉम 28th of February 23 से लेकर 2 मार्च 2023 तक जो है ये आपके एडिट विंडो ओपन रहेगा। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी डिटेल्स को आप लोग यहाँ पे एडिट कर पाएंगे। तो इसके बारे में जानकारी दी हुई है, जैसे कि कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम और इसके अलावा जो आप लोगों ने आईडी प्रूफ यहाँ पे दिया है उसके डाटा में आप लोग यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग अपनी पोस्ट को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा आप लोग जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो है करेक्शन नहीं कर सकते और ना ही जो है आप लोग अपनी कैटेगरी को यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों से फॉर्म में जो है अपने नाम में, अपने माता पिता के नाम में या फिर जो है अपने आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड के डाटा में कोई गलती हो गई है या फिर इसके अलावा आप लोगों ने नॉर्मल फोटो अपलोड कर दी है या फिर सिग्नेचर गलत अपलोड कर दिए हैं या फिर थंब इंप्रेशन अगर आप लोगों ने गलत अपलोड कर दिया है तो आप लोग जो है इसको चेंज यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि डू यू वांट टू एडिट द एप्लीकेशन। तो अगर आप लोग एडिट करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे यस के टैब के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद में जो है आप लोगों को अपने फॉर्म को जो है एडिट कर लेना है। तो दोस्तों, ये जो है आज की एक नई अपडेट थी कोस्ट गार्ड को लेकर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी और ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले कोई भी अपडेट जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलती है। ठीक है, और बाकी हमारी क्लासेस सारी चल रही है, सारी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो आप लोग चैनल के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।